में आओ, होश में आओ। बंदी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, बंदी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। शर्मन प्रकाश पांडे आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी यही ले चलते हैं आपको खबरों की ओर। चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव जी को शराब की बोतल सप्रेम भेंट करने पहुंची भारतीय जनता युवा मोर्चा। हर विधायकों के घर में जाके भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको ये दारू की शीशी, शराब की शीशी भेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा आम जनता से समक्ष भूपेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव जी को शराब की बोतल भेंट कराने पहुंची भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने बताया कि भूपेश सरकार अपना वादा भूल गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि वे जनता को याद दिलाने आए हैं कि कांग्रेस की बदखिलाफी का 2.5 साल यूं ही गुजर गया और कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जिसमें उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, जिला महामंत्री आलोक पटेल, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्याम नायक, जिला कोषाध्यक्ष लोकेश साहू, महामंत्री जितेश साहू, कार्यकारिणी सदस्य युवराज यादव। स्वागत जिंदगी न्यूज से ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। शराबबंदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हमारे भूपेश सरकार ने इतने सारे वादे किए हैं जो एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, और इसमें सबसे बड़ी बात आती है शराबबंदी। आज चंद्रपुर विधानसभा के विधायक राम कुमार यादव जी के यहाँ उनके निवास स्थान पे हम लोग शराबबंदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिसकर्मी प्रशासन ने हमको रोक दिया और हम यहीं पे विराम हो गए। नहीं तो हम चाहते थे कि हम राम कुमार यादव जी को जनता का संदेश बताएं और हम उनको शराब की बोतल भेंट करें। चंद्रपुर विधानसभा के विधायक राम कुमार यादव जी के निवास स्थान पे आए हैं और उनको दारू की शीशी भेंट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। क्या आपके द्वारा भेंट किया गया शराब विधायक जी को? विधायक जी क्षेत्र से नदारद हैं हमेशा की तरह, आज भी वो यहाँ उपस्थित नहीं हैं और हमको प्रशासन शासन ने और पुलिसकर्मियों ने रोक के रखा यहाँ।